हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौरभ पाठक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लीवर डिजीज और डीआईसी में अंतर बताने वाला हूं। डीआईसी मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। लीवर डिजीज और डीआईसी में डिफरेंसेस तो होते हैं, परंतु कुछ समानताएं भी होती हैं। वो क्या है? लीवर डिजीज और डीआईसी दोनों ही केसेस में पीटी बढ़ जाता है, एपीटीडी बढ़ जाता है, आईएनआर बढ़ जाता है। यानी दोनों ही केसेस में पीटी, एपीटीडी, आईएनआर बढ़ जाता है। पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीडी मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, आईएनआर मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। अब आते हैं कि लीवर डिजीज और डीआईसी में आखिर अंतर क्या होता है। सबसे पहला अंतर है सीरम फिब्रिनोजेन का। लीवर डिजीज में सीरम फिब्रिनोजेन नॉर्मल होता है, बल्कि डीआईसी के केस में सीरम फिब्रिनोजेन घट जाता है, लो हो जाता है। दूसरा अंतर है सीरम फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, यानी एफडीडी। सीरम एफडीडी लीवर डिजीज में नॉर्मल रहता है, बल्कि डीआईसी के केस में यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वेरी वेरी हाई हो जाता है। तीसरा है आपका डी डाइमर। लीवर डिजीज में डी डाइमर नॉर्मल होता है, बल्कि डीआईसी के केस में डी डाइमर बढ़ जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर 8, लीवर डिजीज में क्लॉटिंग फैक्टर 8 नॉर्मल रहता है, बल्कि डीआईसी के केस में फैक्टर 8 घट जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात, लीवर सभी प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है एक्सेप्ट फैक्टर 8। लीवर फैक्टर 8 को नहीं बनाता है। तो फैक्टर 8 को कौन बनाता है? फैक्टर 8 वैस्कुलर एंडोथीलियम से बनता है, इसीलिए लीवर डिजीज में फैक्टर 8 अफेक्टेड नहीं होता है, यानी कि नॉर्मल होता है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आप सभी को लीवर डिजीज और डीआईसी में अंतर बताया है। मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी को आज का टॉपिक बेहद पसंद आएगा, और अंततः आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज मेरे चैनल हेल्थ सीरीज को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।